का जो आना शुरू होता है कभी ब्रेस्ट सॉरी ब्रेन से शुरू होता है बिकॉज हॉर्मोन्स बॉडी में ट्रेवल करते हैं. अगर आपके मन में एंग्जाइटी है कॉन्फिडेंस नहीं है तो हौसला मिलकर आपको कम आ जाए. तो आपको पहली बात तो पॉजिटिव होना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना. और ये मानने के लिए 100 में से 100 मदर का मिल्क आता है. ये जो थॉट होता है ना कि दूध नहीं आएगा तो क्या होगा और पेट नहीं भरेगा तो क्या होगा और कुछ ना कुछ मिलने वाले आते हैं वो भी आपको इस तरह की बातें कहते हैं. तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मिल्क आता है. लैचिंग में ऐसा होता है जैसे मैंने बोला आपको कि हर 3 घंटे में ऑफर कर रहा है. अगर बच्चा भूखा होगा नॉर्मली पी लेता है, अगर भूखा नहीं होता तो कई बार थोड़ा गैप ज़्यादा लगता है. लैचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको देखो बच्चा ब्रेस्ट का कौन सा हिस्सा को लैच कर रहा है. मिल्क कभी भी निप्पल्स में नहीं होता है, ब्रेस्ट में होता है. तो निप्पल को बच्चा अगर पकड़ेगा तो मिल्क जाएगा, बच्चा उसको काटेगा तो आपको निप्पल्स में क्रैक्स पड़ सकते हैं. तो आपको बच्चे का मुंह पूरा खोलना है, निप्पल्स के आसपास जो ब्लैक वाला है इसको एरियोला कहते हैं. तो लार्जर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट को बच्चे को मुंह में जाए तो जाके मिल्क प्रॉपर आता है. अगर ये प्रॉपर लैचिंग का तरीका होता है. नहलाने का इंपॉर्टेंट ये कि जो तरीका होता है कि कमरा गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए. नॉर्मली बाथरूम्स में नहीं नहलाना चाहिए, बाथरूम नॉर्मली ठंडे होते हैं. ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए. और नहलाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि टब में नहलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर से ऊपर का वाटर नहीं होना चाहिए उसके अंदर. और बहुत विग्रेसली नहीं नहलाना चाहिए. अब सोप्स का सवाल आता है भी सोप्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए. तो नॉर्मली एडल्ट सोप नहीं यूज़ करनी चाहिए, उसमें उनका पीएच बहुत हाई होता है जो कि बच्चों के स्किन के लिए ठीक नहीं है. तो बेबी सोप्स आजकल आते हैं, सिंडेट वाले आते हैं, काफ़ी मार्केट ब्रांड्स आते हैं. तो वो यूज़ करने चाहिए जिनका पीएच इज़ मोर नियर टू द बेबीज ओन स्किन पीएच. बाकी नहलाने में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आप डेली नहलाएं. अगर आपको समर टाइम है आप डेली नहला सकते हैं, अगर विंटर टाइम है तो ट्वाइस ए वीक या थ्राइस ए वीक नहला सकते हैं. बेथिंग में से ये कि अब नहलाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा अगर ऑयलिंग वगैरह करते हैं प्रॉपर तो थोड़ा बच्चे की स्किन हाइड्रेटेड होती है, क्योंकि बच्चों की स्किन नॉर्मली थोड़ा ड्राई ज़्यादा होती है एडल्ट के कंपेयर. तो नहलाने के बाद कोई भी अच्छा सा ऑयल या कोई भी क्रीम वगैरह से आप बच्चों को अगर प्रॉपर मसाज कर देंगे तो स्किन विल बी मोर लाइक हाइड्रेटेड. देखिए मसाज कैसा होता है कि पहली बात तो इमीजिएटली बर्थ के बाद कुछ दिनों तक मसाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जिस पोस्चर में पेट के अंदर होता है तो जॉइंट थोड़े स्टिफ होते हैं उसके. तो नॉर्मली हम कहते हैं 10 to 15 days वेट करिए, थोड़े लूजन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप मसाज करना शुरू कर सकते हैं. मसाज में हमने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर घरों में ये लोग कुछ मेड्स को इस्तेमाल करते हैं मसाज करने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत विग्रेसली करते हैं जस्ट टू इम्प्रेस द मदर और सम अदर मेम्बर ऑफ द फैमिली. बहुत विग्रेस मसाज नहीं करनी, सिंपल जेंटल मसाज करनी है आपको, एक्सरसाइज नहीं करानी उसको. हमने बेबीज़ की इंजुरी सब देखी है विग्रेस मसाज की वजह से. तो बहुत जेंटल मसाज करनी है नंबर 1. नंबर 2 की 10 to 15 days की बात करनी है. नंबर 3 मसाज के लिए आप कोई भी बेबी ऑयल यूज़ कर ले, सारे इक्वल बॉडी में बराबर ही हैं, क्योंकि ऑयल बॉडी में परकुलेट नहीं करता, इट्स जस्ट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट. तो बहुत एक्सपेंसिव ऑयल में जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में सिंपल नारियल का तेल है तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मसाज. एंड एक सिंपल सी बात हो रही है मसाज के बारे में, आपके जो मसाज बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, आपके जो हैंड के मूवमेंट होते हैं, शुड बी फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी रिवर्स डायरेक्शन, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो. आप पेट से पैरों के नीचे तरफ आइए और हाथ को ऐसे बाहर की तरफ चाहिए, ऐसे मसाज करनी चाहिए. और प्रेफरेबली मसाज आप करें, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ मदर्स को, आप खुद करें, किसी मेड से ना कराएं, क्योंकि एक तो बहुत विग्रेसली करेंगे, सेकेंडली इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, तीसरा एक जो मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग होती है वो हमेशा तभी आएगी जब आप खुद करेंगे उसको. हम देखते हैं बहुत सी जगह की गर्मी होती है, मदर्स ने कुछ नहीं पहना था, बच्चों को दो दो स्वेटर पहना के लाते हैं. आजकल इस चेंजिंग वेदर में इतनी ठंड है नहीं, पर दो स्वेटर कैप जुराबे तो बच्चे गर्म होते हैं, इनको बुखार आ जाता है. तो पहली बात कंफर्टेबल होना चाहिए, सीजन के हिसाब से कपड़े पहनाएं. एज ए बेसिक प्रिंसिपल जो आपने पहना उससे एक लेयर फालतू पहनाते हैं. मदर्स के मन में सबसे बड़ा डर ये होता है कि मेरा बच्चा ठंडा ना हो जाए. तो हम कहते हैं आप बीच बीच में हाथ पाँव टच करके देख लीजिए, अगर हाथ पाँव छूने में ठंडे नहीं है और ब्लूइश नहीं है तो आपका बेबी कंफर्टेबल है, तो आपको ओवर क्लोथिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. जो बच्चों का नैपी एरिया होता है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे सॉइलिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा ये पोस ब्लॉक होते हैं, तो ज़्यादातर रेड और रैशेज का बहुत रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. तो ये मदर हमसे कई बार कहती है. वैसे तो कमर्शियल डायपर्स यूज़ करने में कोई बुराई नहीं, पर आप होम मेड जो क्लोथ होते हैं हमेशा बेटर होते हैं बिकॉज दे आर मोर पोरस. आप ये कोशिश करें कि जैसे आपका बच्चा सॉइल्ड होता है, गीला होता है, तुरंत आप नेपी को चेंज कर दें. और जो नेपी वाला इलाका होता है उसको आप किसी कॉटन बॉल को ल्यूक वार्म वाटर में डुबो के या किसी कॉटन को से क्लीन करते रहे. वो करने के बाद आप या नेपी डायपर पहनाने से पहले कोई भी आप क्रीम इस्तेमाल करें या कोई भी ऑयल इस्तेमाल करें ताकि वो एरिया अच्छे से लुब्रिकेटेड रहे. एक सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए होता है वैक्सीनेशन.
आर द वंडर्स ऑफ दिस सेंचुरी, जो बच्चों को बहुत सी या बड़ों को भी बहुत सी बीमारी से बचाते हैं। तो नॉर्मली पैटर्न ही होता है, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो बिफोर डिस्चार्ज आपके पीडियाट्रिशियन को 3 वैक्सीन दे देते हैं, एक BCG, एक हेपेटाइटिस बी, एक ओरल पोलियो। इसके बाद अगला वैक्सीन आपको 4 to 6 वीक्स में लगता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके एज पर शेड्यूल आप फॉलोअप में जाएं और जो जो वैक्सीन ज़रूरी है वो सारे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन के लगवाने से आपके बच्चे बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। जैसे आपने देखा है, दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई, पोलियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया पूरी दुनिया से, ये सारे वंडर्स ऑफ वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन कभी भी आप लाइटली मत लीजिए, टैब्स जाके ज़रूर लगवाइए।